गुरु गुरु और चेला स्ट्रक्चर हो गया है ना। आ जाओ बना जरा एक बेच प्लाजा बनाओ दोस्त, देखते हैं कितने साल हो गए आपको। हो गया 20 साल। 20 साल यही बनाते हुए हैं। एक नंबर टेस्ट है। तो किस पे बनाओगे? इस भट्टी पे? ठीक है जलाओ भट्टी जरा। हमने कहा क्यों ना तुम्हारा भी वीडियो बनाया जाए, थोड़ा सा बनाओ। एक कौन सा तेल है? ये अपना मीठा तेल है। मीठा तेल, मीठा तेल मूंगफली का, सिंगाने का। ठीक है तो 25 ग्राम तेल है। 25 ग्राम तेल है। कांदा, अच्छा कांदा 10 ग्राम कांदा है। और इस कांदे को थोड़ा भूनने का है। अच्छा भूनने का, ठीक है। बेज प्लाजा नाम बहुत बढ़िया। लहसुन डाल लेगा इसमें, लहसुन डाल दिया। तीसरा क्या डालोगे नंबर? टमाटर डाल लेगा। टमाटर डाल दिया, ये भी 10 से 15 ग्राम डाल दिया। ठीक है ये अपना मसाला है। ये क्या है? ग्रेवी मसाला। अच्छा इस ग्रेवी है ये? अरे बना के अभी तुरंत रखा जो है। अच्छा ग्रेवी, तो ये ग्रेवी किस चीज से बनाते हो? अपना शिमला मिर्ची आएगा। अच्छा लहसुन थोड़ा। अच्छा अदरक मिर्ची। हाँ ठीक है, तो ये डेली फ्रेश ग्रेवी बनाते हो? हाँ। अच्छा ये क्या है? क्रीमी ग्रेवी। क्रीमी क्रीम क्रीम है ये। खुशबू तो यार बड़ी बढ़िया आ रही है। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पकेगा, थोड़ा पकेगा। अच्छा एक बेज प्लाजा बनाने में कितना समय लगता है? 5 से 10 मिनट लगेगा। अच्छा हो जाएगा उसको? अच्छा अच्छा 5 से 10 मिनट में पिकअप हो जाएगा। ये अपना चीज है। अच्छा एक चीज भी डालोगे? हाँ। तो इस फ्राई बन में कितने बेज प्लाजा तैयार कर दोगे? एक ही दो? अभी एक बनेगा, अगर ऑर्डर का टाइम पे इसमें 2-3 आ सकता है। अच्छा ये दूसरा क्या डाला है? मावा है। अच्छा मावा है। हाँ। ये गाय का खोआ है। हाँ, खोआ है गाय का। हाँ। दिखाई दे रहा खोआ आ गया। ये अपना बीन्स। अच्छा ये है सब्जियाँ? हाँ। क्या क्या? गाजर, गाजर है, बीन्स है, गाजर है, गोभी है, फ्लावर है। हाँ। और ये मशरूम। मशरूम बेबीकॉर्न। अच्छा मशरूम बेबीकॉर्न। तो इसमें भी कम से कम सब मिला के 50 ग्राम डाल दिया गया है। हाँ, ये ग्रीन पीस। ये मटर हरी है। हाँ, अच्छा, कलर नहीं उजा था। अच्छा कलर बिल्कुल यूज नहीं करते? नहीं। बहुत सारे लोग तो कलर भी डालते हैं। नहीं, आपका कलर यूज नहीं होता। अच्छा ये मिर्ची का पेस्ट बनाया हरी वाली, ये लाल वाली एकदम हरी वाली। ठीक है। अच्छा इसको किस किस से खा सकते हो? रोटी, रोटी नान, लच्छा पराठा, मिक्सी रोटी, तंदूरी रोटी, तवा रोटी, किसी से भी खाओ? किसी से खाओ। चावल भी ले सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। ये रेडी हो गया? एक ये ऊपर से क्रीम और डाल दिया है। हाँ, थोड़ा ये ब्राउन हो गया। अच्छा कलर ब्राउन हो गया। अच्छा अच्छा ये अपना टमाटर का है। ये क्या है? टमाटर ग्रेवी। अच्छा टमाटर ग्रेवी भी पड़ेगी। पेवर कोई कलर नहीं है? नहीं कलर नहीं। बढ़िया ये भून गया कंप्लीट रेडी हो गया। अब बाउल में डालिए जरा। डालो किसी में? ये मेथी है। अच्छा ये कस्तूरी मेथी है थोड़ी सी। हाँ। ठीक है, अगर किसी को बेस प्लाजा बनाना है तो गौर से इस वीडियो को देखिए और देखिए किस तरीके से इन्होंने बेस प्लाजा बनाया है। अभी थोड़ा हम एक चम्मच चखेंगे। ये घी है। अच्छा देसी घी? हाँ। गजब। गाय का तूप? गाय का तूप है ना। हाँ। ये भी डालते हो? हाँ। तो जान आ ही जाएगी देसी घी से बनाओगे तो दोस्त। हुँ? आ जाओ अब हम, ये है इसके ऊपर कुछ पड़ेगा क्या? नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा फिर आ गए। ठीक है, मालिक का क्या नाम है? बाकड़े। बाकड़े बाकड़े साहब बाकड़े, यही पुणे के रहने वाले। ये चेरी आ गया, ऊपर टमाटर आ गया, चुकंदर आ गया, गाजर का फूल बना दिया है, हैं? और कुछ बाकी है भाई? क्या और एक फूल बाकी है? एक फूल और बाकी है। हाँ। हमेशा ऐसे देते हो कि आज ही दे रहे हो? नहीं हमेशा है। इसी तरीके से? हाँ। गाजर का फूल है, उसके ऊपर टमाटर का फूल है। हाँ। इस करके बताएंगे। बहुत गर्म है यार, जवान तो नहीं चलेगी? नहीं। खुशबू बहुत बढ़िया है। और चाहे इसको रोटी के साथ खाओ, चाहे लच्छा पराठा लो, चाहे तंदूर लो, चाहे मिक्सी रोटी लो, है ना। हाँ। चाहे चावल लो, है ना। कुछ भी हो दोस्त, बहुत ललन टाप बनाया तो बेहतरीन बेग प्लाजा बनाने के लिए तुम्हारे लिए हम सब तालियां बजाएंगे। चलो वस्ताद के तालियां, चलो। हाँ ये चलो बहुत बढ़िया। इंडिया के अंदर जो भी बेहतरीन खाना बनाएगा तो उसके लिए तालियां लाजमी हैं, बजती रहेंगी तालियां। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मुस्कराते रहो, खिलाते रहो, बढ़िया बढ़िया बनाते रहो लोगों में। ठीक है नमस्कार, अब चलते हैं कहीं और पड़ाव पे। तो 11 बज गया है और आज हम आ गए हैं पुणे। ये मेरी बहुत पुरानी जगह थी, यहीं पे हम बैठते थे। एफसी रोड मनमीत था, रेस्टोरेंट चाट हाउस था। ये प्रदूषण कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है, प्रदूषण कॉलेज है। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस होटल है
इसका नाम है आशीष प्लाजा और आशियाना होटल भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे रहना और खाना दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है, तो हमने कहा क्यों ना एक छोटी सी क्लिप बनाई है और लोगों को दिखाएंगे आशियाना होटल के बारे में। तो चलते हैं भी आशीष प्लाजा, यहाँ ठहरने की और खाने की दोनों की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है और नीचे सेल्स भी लगी रहती हैं। कपड़े उपड़े कहीं खरीदना नहीं पड़ेगा, बारह मास यहाँ पे सेल लगी रहती है, तो यहाँ से कपड़े पहनो, ऊपर खाना खाओ, ऑफिस हो जाओ। ये देखिए इनकी सेल बहुत ही हमेशा लगी रहती है, सेल बहुत ही फेमस है। तो खाना ऊपर खाने का, सोने के लिए ऊपर है, और कपड़ा यहाँ से डेली नए नए पहनो। क्यों भाई, कब तक सेल लगी रहेगी? 5 तारीख तक का, उसके बाद कोई दूसरा आएगा तो कोई ना कोई आता ही रहता है, यहाँ सेल हमेशा बारह मास लगी रहती है। तो अभी चलते हैं जरा ऊपर में जी। ये हॉल है, अब धीरे धीरे पहुँच रहे हम। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। तो यहाँ पर बैठने की बढ़िया वेटिंग सेक्शन है, यहाँ पर ये आपका रिसेप्शन है, यहाँ के जनरल मैनेजर साहब हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। बढ़िया, हाँ जी। अच्छा, तो आपका रूम भी बहुत बेहतरीन होता है। हाँ जी, आप और देखा है रूम? अभी दिखाएंगे क्या मुझे? अच्छा, रूम भी बहुत अच्छे होते हैं। बढ़िया रूम है सब। अच्छा, तो आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मुझे लगभग हुआ है 8.5 साल। अच्छा, 8.5 साल। हाँ जी, अभी थोड़ा कैसा चेकआउट का टाइमिंग, चेक इन का टाइमिंग रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, 12 बजे अभी 12 बजे का 12 उनका चेक इन चेकआउट टाइम रहता है। अच्छा, रेट भी कोई ज्यादा नहीं यहाँ पे ठहरने का? बिल्कुल, हमारे पास कॉर्पोरेट कस्टमर्स ज्यादा है, ये होटल कॉर्पोरेट होटल है बेसिकली। अच्छा अच्छा, मेन पॉश इलाके में, एफसी रोड में, वीकेंड्स में तो यहाँ पे काफी सारी फैमिली स्टे करते हैं यहाँ पे। जी जी जी, बिकॉज सेफ क्लीन और यहाँ एम्बियंस अच्छा और बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में। अच्छा अच्छा, यहाँ गार्डन वगैरह भी है? बिल्कुल, गार्डन भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आइए। ये रूम्स हैं, इसमें कितने रूम लगभग होंगे? टोटल मेरे पास है 70 रूम्स। 70 रूम्स? 70। अच्छा, 70 हैं। हाँ, अधिकतर पैक रहते हैं। ये यहाँ का व्यू देखिए, क्या दिखाओ, व्यू भी बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल, ये सेंट्रली पुणे के सेंटर में लोकेटेड है। जी जी, और इसका हमारा इस होटल का प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास पार्किंग काफी बड़ा है। हाँ, काफी इसी होटल के पास इतना बड़ा पार्किंग नहीं होता जी। है कितनी गाड़ी आती पार्किंग में लगभग? कम से कम एक 50 कार तो पार्क हो सक जाएगा। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी पार्किंग? बिल्कुल बिल्कुल, 100 से 200 टू व्हीलर पार्क हो सकता है। सारी सुविधाएं दे रखी है, सब कुछ है यहाँ पे। इतना सुविधा कोई होटल में नहीं है, किसी के पास भी इतना बड़ा पार्किंग नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आपको रूम दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ये रूम नंबर 603 है। और आइए, ये देखिए, 2 बेड हैं आराम से। इसमें कितने लोग रह सकते हैं? 3 लोग कंफर्टेबल। 3 लोग हैं आराम से, कंफर्टेबल रह सकते हैं इसमें। अगर 3 बंदे होते तो एक मैट्रेस ऐड करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर 3 लोग आए तो 1 बेड लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इधर का व्यू देखिए, इधर का व्यू दिखाओ, बहुत बढ़िया व्यू है इधर का। अच्छा, इसका रूम का क्या प्राइस होगा? इसका है 3000 प्लस टैक्सेस। अच्छा, इस 3000 में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा, 3000 में ब्रेकफास्ट भी देते हैं दो बंदों के लिए। एक सामने का भी खोल दो। ठीक है, बहुत बढ़िया रूम है। बिल्कुल, हाँ, तो इसी रूम में हम ठहरे हुए हैं अभी, देखना। वाह, बहुत गुदगुदा है यार, सोने में बहुत मस्त, नींद बहुत अच्छी आएगी। इधर विंडो भी है, यहाँ पर कंफर्टेबल अच्छा है। हाँ, टोटली कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज मेरा लास्ट दिन है पुणे का, आशीष प्लाजा का। कल लखनऊ के लिए रवाना होंगे, उसके बाद ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा एक बार, बहुत मज़ा आएगा। और जितने लोग पुणे में आना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, तो आशीष प्लाजा सबसे नंबर वन मुझे लगा। आशीष प्लाजा, FC रोड, FC रोड, तुकाराम पादुका चौक। ठीक है, हम भी यहाँ 15 साल रह चुके हैं, तो इससे ज़्यादा अनुभव है हमको भी।